नमस्कार, स्वागत आप सभी का पांच की आंच। आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और पांच की आंच पर विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर यह कि एमपी कांग्रेस की कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। तो भंग कर दिया गया कार्यकारिणी को और प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह ने इस पर बयान दिया है। प्रदेश कार्यकारिणी को भंग किया गया है, आगामी आदेश तक जिला अध्यक्ष काम करते रहेंगे, लेकिन कार्यकारिणी भंग कर दी गई। हालांकि बीच में यह खबर आई थी कि कांग्रेस में कोई बदलाव अभी नहीं किया जाएगा 2024 के चुनाव को देखते हुए, और कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया। और नई कार्यकारिणी के गठन के बाद आगे की जो रूपरेखा है वो तय होगी, जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। उन नेताओं को जिन्हें कार्यकारिणी का हिस्सा बनाया जाएगा उन्हें इसके बारे में जानकारी दी जाएगी और उनकी भूमिका तय की जाएगी। अभी फिलहाल जो सबसे बड़ी भूमिका होगी पुनीत, वो इस वक्त पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की होगी, जो कि अब एक वन मैन आर्मी की तरह काम करेंगे। बड़ी चुनौतियां जीतू पटवारी के सामने रहेगी जब तक कार्यकारिणी का गठन नहीं हो जाता। बिल्कुल, और युवा हैं और युवा कैसे तेजी से फैसले लेते हैं अब देखना होगा। लेकिन फिलहाल की बड़ी खबर तो ये बड़ी खबर बता ही रहे हैं कि एमपी कांग्रेस की कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। प्रदेश प्रभारी जो है उनकी तरफ से एक बड़ा बयान आया कि प्रदेश की कार्यकारिणी भंग कर दी गई, लेकिन अगले आदेश तक जिला अध्यक्ष बने रहेंगे जो जिला अध्यक्ष हैं, और काम भी अपने तरीके से करते रहेंगे जैसे पहले काम कर रहे थे। लेकिन सामने आशीष 2024 का चुनाव है और कांग्रेस की क्या ये एक्सरसाइज यही मानकर हम देख सकते हैं कि 24 का चुनाव है और कैसे कांग्रेस को अपने आप में बदलाव करना है, इसको लेकर ही ये फैसला लिया गया। मुझे इस वक्त वो स्थिति याद आ रही है जब राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से पुनीत इस्तीफा दिया था। उस वक्त भी एक लंबा समय बिना अध्यक्ष के पार्टी ने गुजारा था और ऐसे में यहाँ पर अब कार्यकारिणी को भंग किया गया। कहीं इस तरह की अगर स्थिति बनी तो लोकसभा चुनाव में परिस्थितियां थोड़ी और चुनौतीपूर्ण हो सकती है कांग्रेस पार्टी के लिए। प्रदेश प्रभारी ने एक बड़ा बयान दिया है कि जिला अध्यक्ष जो है वो वैसे ही काम करते रहेंगे। और इस वक्त हमारे सहयोगी वासु चौरे भोपाल से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। वासु, क्या जानकारी आ रही है? बड़ी खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई, मंथन एक तरफ किया जा रहा था और मंथन में यह निकला कि कार्यकारिणी को भंग कर दिया जाए। वासु, अगर आपको आवाज मिल पा रही है, जाना चाहेंगे कार्यकारिणी को भंग किए जाने का जो निर्देश है और क्या कुछ इसके बारे में डिटेल्स हैं अपने पास? अब बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, मध्यप्रदेश में नए अध्यक्ष बने हैं और नए अध्यक्ष के साथ नई कार्यकारिणी बनती है, नई संगठनात्मक नियुक्तियां होती हैं, और यही वजह है कि प्रदेश के जो मौजूदा पदाधिकारी थे, जो कमेटी थी, वो फिलहाल अब भंग हो चुकी है और नए सिरे से मध्यप्रदेश में जो कांग्रेस है वो नजर आएगी। एक नई टीम जो है कांग्रेस की वो नजर आएगी। आज दिन भर बैठकों का दौर चला और उसके बाद ये जो निर्णय है वो सामने निकल कर आया। भंवर जितेंद्र सिंह आज भोपाल पहुंचे थे, पहला दौरा था बतौर प्रभारी उनका मध्यप्रदेश का, और ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया। कांग्रेस की सीनियर लीडर विभा पटेल इस समय हमारे साथ हैं, महिला कांग्रेस की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वो संभाल रही थी। आज जो दीदी जो आज महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं और आने वाले समय में अब क्या कुछ कांग्रेस नए क्लेवर के साथ नजर आएगी? ये तो आज जो निर्णय हुआ है ये प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर हुआ है और निश्चित तौर से अब नई कार्यकारिणी का गठन माननीय अध्यक्ष जी करेंगे और उसमें नए पदाधिकारी उनके वो बनाएंगे। कब तक इसके लिए इंतजार करना होगा? नए ये तो देखिए, ये तो सबसे विचार विमर्श के बाद ही कोई डिक्लेरेशन होगा और समिति बनाने के लिए सभी वरिष्ठ नेताओं का वो लिया मत लिया जाता है, उसके बाद ही निर्णय होता है। तो कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा, यूथ नई टीम और जो तमाम वरिष्ठ नेता? निश्चित तौर से वरिष्ठों का और युवाओं का दोनों का तालमेल इसमें देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव भी सामने हैं तो ऐसे में उससे पहले ये पूरा नई टीम का गठन करना होगा आपको? देखिए, ये टीम का गठन तो माननीय नए, जब भी कोई माननीय अध्यक्ष बनता है तो उसे नई टीम का गठन करना ही होता है। तो जो महासचिव, सचिव और उपाध्यक्ष इत्यादि हैं वो शीघ्र ही वरिष्ठों के हिसाब से बनाएंगे। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस की टीम की बात करें तो उसमें भी कोई बदलाव आप लोग? फ्रंटल का कोई इसमें निर्णय नहीं हुआ है। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे हैं वो अभी वैसे के वैसे। वासु, इस दौरान पार्टी के निर्णय कौन लेगा? मध्यप्रदेश कांग्रेस, देखिए अध्यक्ष फिलहाल जीतू पटवारी जो मध्यप्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो पावर में रहेंगे और जब तक नई टीम नहीं बन जाती है, जब तक जिला अध्यक्ष जो हैं और जिले के जो प्रभारी हैं
वो अपना काम बखूबी करते रहेंगे, संगठन के जो भी दिशा निर्देश आएंगे उनको लागू करने का जो काम है वो किया जाएगा और जल्द ही मध्यप्रदेश में कांग्रेस की नई टीम बनकर सामने आएगी। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे महिला कांग्रेस की बात हो, यूथ कांग्रेस की बात हो, सेवा दल की बात हो, एनएसयूआई की बात हो, ये तमाम जो संगठन है और इनके जो अध्यक्ष है और जो पदाधिकारी है ये अपना काम करते रहेंगे। यानी कि मध्यप्रदेश कांग्रेस की जो कमेटी है उसमें वो भंग हुई है और उसमें आने वाले समय में एक नई टीम जो है वो तैयार होगी। और बार बार ये बात भी निकलकर सामने आ रही थी कि नए अध्यक्ष बने हैं, अब उनके साथ एक नई टीम आएगी कांग्रेस में पीढ़ी परिवर्तन को लेकर। नए अध्यक्ष बने हैं, नई टीम आएगी वासु, लेकिन सवाल ये कि कहां तो ये बात चल रही थी कि हम मंथन कर रहे हैं, हार की समीक्षा कर रहे हैं और ऐसे में कार्यकारिणी को भंग कर देना, वो जो हार की समीक्षा और जो प्रभारी जो है जिनकी तरफ से ये कहा गया कि भाई जिन्होंने भीतर घात किया है, अपनों को हराया है, उनको तो पहले उनकी पहचान तो की जाए, इसको लेकर कुछ फैसला हुआ है क्या? निश्चित तौर पर देखिए ये एक बड़ा निर्णय भी हुआ है कि जिन लोगों ने शिकायतें की थी कि हमारे क्षेत्र में भीतरघात हुई है, हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने पार्टी के खिलाफ काम करने का काम किया है, उनकी लिखित में शिकायत जो है वो कांग्रेस से मांगी और उन पर आला कमान की ओर से जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं जल्द ही देखने को मिल सकता है। और एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, जब नए अध्यक्ष की नियुक्ति होती है तो एक नई टीम का गठन होता है, क्योंकि जो पुरानी टीम काम कर रही होती है वो पुराने अध्यक्ष के साथ काम कर रही होती है। और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं जो आज जुटे थे, एकजुट हुए थे, और दिनेश गुजर जी हमारे साथ हैं जो विधायक भी हैं कांग्रेस के, सर अब एक नया संगठन, एक नई टीम मध्यप्रदेश में काम करती हुई दिखाई देगी, कितना इससे आपको लगता है कि फायदा मिलेगा लोकसभा के चुनावों में? देखिए अभी नई टीम का आपने उदाहरण देखा होगा, जिस दिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए तो इंदौर से लेके वो भोपाल तक, उज्जैन, देवास, रोडें छकाछक भरी हुई थी, वहाँ नौजवान, बुजुर्ग, कांग्रेस का कार्यकर्ता, किसान, मजदूर, नौजवान उनके साथ खड़ा हुआ, हजारों लाखों लोगों उनके साथ उस कार्यक्रम में रहे। ये प्रमाण होता है कि मध्य प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव का हम पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी से संगठित होकर मिलकर सब लोग लड़ेंगे। कुछ भीतर घातियों पर कार्रवाई की बात भी निकल कर सामने आई, लेकिन उसके बहुत शुक्रिया वासु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो वासु हमारे सहयोगी जो है वो लगातार लोगों की प्रतिक्रिया भी ले रहे हैं और बता रहे हैं कि कांग्रेस में कैसे अब नई टीम नए तरीके से काम करने वाली है। आशीष, बिल्कुल नई सरकार बनी और कैबिनेट का विस्तार हुआ और अब बारी सरकार के पावर सेंटर की है, यानी मोहन सरकार में बने मंत्रियों को विभागों की जिम्मेदारी सौंपने की। और इस बार मंत्रिमंडल में दिग्गज चेहरे हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं और ऐसे में सरकार का पावर सेंटर बंटने वाला है। सवाल यह है कि दिग्गज नेताओं को कौन कौन से विभाग सौंपे जाएंगे। तो एमपी में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बनने के 12 दिन के बाद पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, 28 विधायकों को मंत्री बनाया गया। लेकिन अब सवाल यह है कि इस मंत्रिमंडल में मालवा निमाड़ को कम प्रतिनिधित्व दिया गया और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसलिए आपको हम बताते हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं आपको कि आगे स्थिति कैसे रह सकती है। दरअसल 2020 में बीजेपी ने मंत्री बनाए, सरकार में 8, मोहन सरकार में 7 विधायक मंत्री बनाए गए। मालवा निवाड़ से जनप्रतिनिधित्व जो मिला वो हम आपको बता रहे हैं। तो मालवा निवाड़ से प्रतिनिधित्व की अगर बात की जाए तो सीएम और डिप्टी सीएम भी यहीं से हैं। 2013 में बीजेपी ने 6 मंत्री यहां से बनाए थे, मालवा निमाड़ से। और इस बार बात की जाए तो सबसे ज्यादा 9 विधायकों को मंत्री कमलनाथ ने बनाया था। 2020 में कमलनाथ सरकार गिर गई और इसके बाद सत्ता में शिवराज सिंह चौहान की वापसी हुई थी और इसके बाद की स्थिति क्या है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल मालवा निमाड़ से जो जनप्रतिनिधित्व है वो मोहन सरकार में 7 मंत्री बनाए गए हैं, सीएम और डिप्टी सीएम भी यहीं से आते हैं। लेकिन इस बार मोहन सरकार में बीजेपी ने 7 विधायकों को ही मंत्री बनाया। बीजेपी ने मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री मालवा निमाड़ से जरूर बनाया है। 2013 में शिवराज सरकार में मालवा निमाड़ के 6 विधायकों को ही मंत्री बनाया गया था। तो ये ग्राफिक्स के जरिए, ये डेटा के जरिए आप समझ सकते हैं कि क्या परिस्थिति अब सरकार में है, पहले क्या थी।
सीएम और डिप्टी सीएम भी यहीं से हैं और सात मंत्री हैं। आशीष, सात मंत्री, सीएम और डिप्टी सीएम कुल मिलाकर अगर टीम में कहा जाए तो नौ लोग मालवा निमाड़ से। और बात करते हैं मंत्रियों को मिलने वाले उन विभागों की। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के दौरान शिवराज सिंह पावरफुल नेता थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। मोहन मंत्रिमंडल में एक से बढ़कर एक चेहरे हैं, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक मंत्री बने हैं, और विधायक हैं जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं, कुछ नए विधायक हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं। और ऐसे में सरकार के पावर सेंटर का बंटवारा कैसे होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। सियासी गलियारों में भी ये सवाल लगातार बना हुआ है कि कैसे बांटे जाएंगे विभाग, क्योंकि बड़े बड़े चेहरे हैं। और बड़े बड़े अगर चेहरों की बात की जाए तो उसमें कैलाश विजयवर्गीय भी आते हैं, प्रहलाद पटेल भी उसमें आते हैं, राकेश सिंह भी उसमें आते हैं, राव उदय प्रताप सिंह भी उसमें आते हैं। ये बड़े बड़े चेहरे हैं। बिल्कुल, और इन दिग्गज चेहरों की बात पुनीत आपने की है तो इसमें बीजेपी के महासचिव और मौजूदा विधायक कैलाश विजयवर्गीय हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री नरसिंहपुर से जिनका आपने जिक्र किया प्रहलाद पटेल, और पूर्व सांसद हैं मौजूदा विधायक राकेश सिंह और राव उदय प्रताप का आपने जिक्र किया, जबकि विश्वास सारंग को हम कैसे भूल सकते हैं, वो भी सरकार में मंत्री रहे हैं। और ये ऐसे दिग्गज नेता हैं, ऐसे में विभागों का बंटवारा पुनीत कैसे होगा, ये सवाल लगातार बना हुआ है। सवाल बना हुआ है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, और ये बहुत मायने रखता है। कैलाश विजयवर्गीय सीनियर नेता, 8 साल बाद उनको वापस मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में स्थान मिला है। प्रहलाद पटेल की बात करें तो सीएम पद के प्रबल दावेदार थे, और ये भी खबर थी एक बार की कि उनके बंगले की सुरक्षा बढ़ा दी गई जी। लेकिन आलाकमान ने पुनीत डॉक्टर मोहन यादव के नाम पर मोहर लगाई। अब विभागों के बंटवारे में इन चेहरों पर आलाकमान का फोकस रहेगा, यानी इन सबको लेकर के जो बड़ा फैसला लेना है और बड़े मंत्रालय जो हैं वो हो सकता है कि इन चेहरों को दिए जा सकते हैं जिनका कि मुख्यमंत्री के रेस में नाम था, या फिर अब उन्हें बड़ा मंत्रालय दे करके जस्टिफाई किया जा सकता है। तो बड़े मंत्रालय हैं कौन कौन से, ये बता देते हैं। मंत्रालय या दूसरी भाषा में मलाईदार भी कहा जाता है इन मंत्रालयों को। तो अगर मंत्रालय की बात करें तो गृह मंत्रालय सबसे बड़ा मंत्रालय, गृह मंत्रालय कहा जाता है जी, बिल्कुल। इसके बाद ग्रामीण विकास और नगरीय प्रशासन मंत्रालय की बारी आती है, नगरीय प्रशासन विभाग, और फिर आता है पीडब्ल्यूडी और परिवहन मंत्रालय, जिस पर सबकी नजर टिकी हुई जी, बिल्कुल। और जो मलाईदार की बात पुनीत कर रहे हैं, अमूमन विपक्ष इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है, और बड़े चेहरों को बड़े मंत्रालय दिए जाने की संभावना है, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन सवाल यह भी है कि बड़े चेहरों में किस चेहरे को कौन सा विभाग दिया जा सकता है, और यह भी हर कोई जानना चाहता है। संभावना यह जताई जा रही है कि कैलाश विजयवर्गीय को गृह मंत्रालय दिया जा सकता है, उनके कद के हिसाब से, हालांकि वो तो मुख्यमंत्री पद की रेस में भी थे, लेकिन फिलहाल गृह मंत्रालय उन्हें दिया जा सकता है। और कैलाश विजयवर्गीय जब चुनाव में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए आया हूं, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी अब पार्टी कौन सी देती है ये देखना होगा। लेकिन खबर यह भी है कि दिल्ली से ये बात बनेगी, दिल्ली से तय होगा कि विजयवर्गीय को कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाए। प्रहलाद पटेल को ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, ऐसी खबर भी है। बिल्कुल, नगरीय प्रशासन विभाग राकेश सिंह को दिया जा सकता है, पीडब्ल्यूडी विभाग का जिम्मा राव उदय प्रताप सिंह को दिया जा सकता है, और उधर शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे विश्वास सारंग को यहां परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है, या फिर कोई और मंत्रालय भी उन्हें दिया जा सकता है। पोर्टफोलियो के हिसाब से मंत्रालयों का बंटवारा होगा, और ऐसे में किस व्यक्ति को, किस चेहरे को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, इसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि कद के हिसाब से पुनीत इस बारे में ध्यान रखना होगा कि उनके कद को जस्टिफाई किया जा सके। केंद्र से मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन बीजेपी तो चौंका भी तो रही है, बीजेपी चौंका भी रही है, तो चौंकाने में कुछ भी किया जा सकता है। हालांकि आज जो बैठक हुई थी उसमें यह फैसला नहीं हुआ, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना जरूर साध दिया। कांग्रेस क्या कह रही है, कांग्रेस कह रही है बीजेपी में सीनियर नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है, क्यों कह रही है जी, बिल्कुल, क्योंकि कई बड़े नेता जो हैं, जो सीएम जिस बारे में हम चर्चा कर रहे थे, सीएम पद की रेस में थे, लेकिन बीजेपी ने उनको दरकिनार कर दिया, मसलन कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और राव उदय प्रताप जैसे चेहरे। पार्टी के लिए तो ये बहुत बड़ी चुनौती है कि हर नेता को संतुष्ट रख पाना। जिन नेताओं को मंत्रिमंडल से बाहर किया गया है, चाहे भूपेंद्र सिंह हो, चाहे गोपाल भार्गव जी हो, ये सब मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, और इतने बड़े बड़े कद्दावर चेहरों को यदि भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं कर पाई तो ये समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के भीतर असंतोष का स्तर क्या होगा।
रही है कि असंतोष का स्तर क्या होगा बीजेपी के भीतर, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार कर दिया, क्या बीजेपी कह रही है आशीष? बिल्कुल, बीजेपी का कहना यह है कि कांग्रेस को अपनी चिंता करनी चाहिए। वैसे ही नजारे दिखते हैं, तो जिन कांग्रेसियों ने अपनी सरकार के समय और टिकट बांटते समय बोलियां लगवाई हैं, तो उनको हर चीज में बोली दिखेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बाकी ये जो दो हारे हैं जिनके सहारे अब कांग्रेस चलने का प्रयास कर रही है, तो इसी तरीके से गर्त में जाएगी, क्योंकि अपनी चिंता नहीं दूसरों की चिंता में ये व्यस्त रहेंगे। देखिए, मंत्रिमंडल का अगर ठीक से विश्लेषण करें तो उसमें अनुभव भी है, इसमें युवा जोश भी है। बाकी भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है, हर काम के लिए कार्यकर्ता और हर कार्यकर्ता के लिए काम, ये हमारा सिद्धांत है। तो नेतृत्व ने जिसे तय किया वो सहर्ष तैयार है और आनंदित है इस अनुभव से। अपनी ये तो बात हुई मध्य प्रदेश की, लेकिन अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी किया जाना और कुछ ऐसी पशुपेश की स्थिति छत्तीसगढ़ में भी नजर आ रही है। बिल्कुल नजर आ रही है, क्योंकि अभी वहां पर तो पहले ही कैबिनेट बन चुकी है, लेकिन अभी वहां विभागों का बंटवारा नहीं हुआ, और कैबिनेट विस्तार के बाद फिलहाल मंत्रियों को विभागों की अभी कोई जिम्मेदारी यहां पर भी नहीं मिली है। कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा जल्द कर सकते हैं। बिल्कुल, और चूंकि न्यूज 18 के पास उन मंत्रियों के संभावित विभागों की सूची भी है जिन्हें विभाग दिए जाने हैं, वो चेहरे कौन से हैं और विभाग कौन से, ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले न्यूज 18 आपको बता रहा है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिल सकता है। तो कौन सा विभाग मिल सकता है, सबसे पहले बात सीएम विष्णुदेव साय की कर लेते हैं। सीएम साय अपने पास कौन से विभाग रखेंगे, क्योंकि हमको याद है कि इसके पहले छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हुए हैं या दूसरे मुख्यमंत्री हुए हैं, वो कौन से विभाग रख सकते हैं, रखते थे अपने पास। तो जनसंपर्क, वित्त मंत्रालय, सामान्य प्रशासन विभाग वो खुद अपने पास रख सकते हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, और इसके अलावा डिप्टी सीएम अरुण साव को यहां गृह विभाग दिया जा सकता है और उनके पास जेल विभाग भी हो सकता है। डिप्टी सीएम अरुण साव जो कि एक महत्वपूर्ण पद पर हैं, उप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, और दो विभाग इन्हें दिए जा सकते हैं, उनके कद के हिसाब से जस्टिफाई किया जाएगा, गृह और जेल विभाग। लक्ष्मी राजवाड़े की बात कर लेते हैं, महिला एवं बाल विकास, क्योंकि महिला चेहरा है तो महिला एवं बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जा सकती है। विभागों के बंटवारे में एक बड़ी महती जिम्मेदारी होती है। लखन देवांगन को यहां शहरी एवं नगरीय प्रशासन की जिम्मेदारी दी जा सकती है, बतौर कैबिनेट मंत्री उन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया है, तो ये जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है। विभागों के बंटवारे की हम बात करें, ये संभावित नाम है, संभावित सूची है विभागों की जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और राम विचार नेताम जो हैं काफी सीनियर नेता हैं बीजेपी के, और ऐसे में उन्हें पंचायत विभाग की जिम्मेदारी राम विचार नेताम को सौंपी जा सकती है। ये हालांकि विभागों बंटवारा हुआ नहीं है, लेकिन केदार कश्यप की अगर बात की जाए तो वो भी सीनियर मंत्री रह चुके हैं, और आदिम जाति कल्याण विभाग, बस्तर से आते हैं, आदिम जाति कल्याण विभाग की जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है। ऐसी खबरें न्यूज 18 के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। ओपी चौधरी जो कि पहले मुख्यमंत्री पद की रेस में थे, उन्हें उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी पुनः दी जा सकती है, और बेहद अनुभवी एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर उन्होंने काम किया है। टंकराम वर्मा की बात करें तो स्कूल शिक्षा विभाग जो है जिसमें बहुत काम की दरकार है, और उन्हें टंकराम वर्मा को यह स्कूल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। विभागों के बंटवारे में ब्रिज मोहन अग्रवाल बड़ा चेहरा, और इनको पीडब्ल्यूडी या कृषि विभाग, दोनों में से कोई एक विभाग मिल सकता है। और इसके अलावा दयाल दास बघेल हैं, SC ST OBC कल्याण विभाग की जिम्मेदारी इन्हें दी जा सकती है। तो सीएम विष्णुदेव साय को जनसंपर्क, वित्त मंत्रालय खुद अपने पास वो रख सकते हैं, ऐसी जानकारियां हैं। बढ़ते हैं आगे, छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पहले सीएम फेस को लेकर खींचतान, अब बीजेपी मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा नहीं कर पा रही है, और मंत्रिमंडल से वरिष्ठों को दरकिनार किया जा रहा है। वही बात जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस कह रही है, वही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कह रही है। उधर बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री राम विचार नेताम जो हैं उनका कहना है कि गुटबाजी से कांग्रेस में गुटबाजी हो सकती है, जल्द ही विभागों का बंटवारा भी कर लिया जाएगा। मलाईदार विभागों के बंटवारे में आपसी बंदरबांट के कारण अभी तक मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है।
काफी सारे मंत्री पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि उन्हें मलाईदार विभाग मिले और इसी चक्कर में इनके यहाँ मंत्रियों का बंटवारा नहीं हो रहा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी सरकार में सिर्फ और सिर्फ जनता का शोषण करने आई है। जनता की सेवा करने आए होते तो इनको मंत्रियों के विभागों में बंटवारा करने में इतनी देर नहीं लगती। अरे किसी भी मंत्री को उसकी रुचि के अनुसार विभाग दे दिया जाता, लेकिन यहाँ जो सत्ता के मलाई के बंदर बांट के चक्कर में मंत्रियों के विभाग का बंटवारा नहीं हो रहा। भैया आपसी गुटबाजी कांग्रेस में हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की कहीं पे कोई बात नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता भाव से काम करता है। हमारे यहाँ जो पद का दायित्व तो दिया जाता है तो दायित्व तो मिला है, बहुत जल्द उसका भी अलग अलग डिपार्टमेंट का घोषणा कर दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे कुछ अन्य खबरों की। मध्य प्रदेश में ठंड का प्रचंड असर देखने को मिल रहा है, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कोहरे की चादर देखने को मिल रही है। और ठंड की अगर बात कर ली जाए तो मौसम सर्द पर सर्द हुआ जा रहा है। जैसे जैसे दिसंबर बिल्कुल खत्म होने को है, ठंड के चलते आम लोगों से लेकर वाहन चालक तक सब परेशान नजर आ रहे हैं। 6 जिलों के अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि वहां पर क्या हालात बन गए हैं, देखिए ये तस्वीरें। और ठंड के चलते किस तरह से कोहरे की चादर बिछी हुई है, विजिबिलिटी काफी कम हो गई है जिससे वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक सा लग गया है। और बताया जा रहा है पुनीत कि मध्य प्रदेश में ठंड अभी और बढ़ेगी, क्योंकि 29 और 30 दिसंबर के आसपास जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव है उससे और यहां पर डिस्टरबेंस बढ़ेगी। वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिवेट होने की वजह से नए साल पर बारिश तक होने की संभावना जताई जा रही है, जबकि उज्जैन ग्वालियर और चंबल संभाग में बादल और बूंदाबांदी के आसार बने हुए हैं। और पेंड्रा की बात कर लेते, छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश की तस्वीरें आपको दिखाई, लेकिन पेंड्रा में तो सर्दी का असर इतना है कि ट्रेनें लेट होने लग गई हैं। ठंड और कोहरे के चलते ट्रेन घंटों लेट पहुंच रही हैं। बताया ये जा रहा है कि पेंड्रा कटनी रेल रूट जो है इसकी करीब 6 से ज्यादा ट्रेनें लेट हुई हैं और ट्रेन के लेट हो जाने की वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और कोरबा की भी बात कर लेते हैं, कोहरे के आगोश में पूरा का पूरा कोरबा नजर आ रहा है, औद्योगिक नगरी कोरबा कही जाती है। और पीछे तस्वीरें देखिए ये कैसे लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, और ये तस्वीर देखिए इसमें तो वाहन ही नजर नहीं, अलाव का सहारा लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और देखिए घना कोहरा इतना ज्यादा है वहां पर कि विजिबिलिटी बहुत शून्य के करीब हो चुकी है, देखिए नजर कुछ भी नहीं आ रहा है, छोटे छोटे बच्चे जो है वो भी देख रहे हैं, और देखिए सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। जी बिल्कुल, और स्थिति यहां पर कमोबेश लगभग सभी जगह यही नजर आ रही है। और अगर बात करें इस ठंड की तो छत्तीसगढ़ में सर्दी का असर दिख रहा है और कोरबा में भी सर्दी का सितम जारी है, सर्दी के चलते लोग परेशान हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगली खबर की बात करते हैं। आए दिन हो रहे हादसों में लोगों की जान जा रही है, जल्दबाजी के चक्कर में हादसे बढ़ रहे हैं, कोहरा भी हादसों की एक बड़ी वजह है। और हादसों की 5 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। मंडला में पुल से एक बस के गिरने की जानकारी मिली, वहीं खंडवा में ब्रिज से एक और वाहन गिर गया। इस तरह की दुर्घटनाएं चिंता का कारण बन रही हैं। और गुना की भी तस्वीर आप देखिए कि कैसे ये ट्रक पलट जाता है, तेज रफ्तार की वजह से यहां पर हादसा हुआ। खंडवा में ब्रिज से गिर गया वाहन, अंबिकापुर में भी ऐसी खबर सामने आई, ट्रक ने एक रौंद दिया और डूबने से सतना में 2 लोगों की मौत हो गई। और रीवा से आपको बता दें कि नहर में एक ट्रैक्टर ड्राइवर की मौके पर मौत, नहर में ये ट्रैक्टर गिरा था जिसकी वजह से ड्राइवर की मौत हो गई और गढ़ेरा गांव की ये दुर्घटना बताई जा रही है। बिल्कुल, ये तस्वीर भी नजर आ रही कि देखिए ये ट्रैक्टर जो है ये पानी में समा गया, अनियंत्रित हो गया दरअसल, और ड्राइवर ने ट्रैक्टर पे से अपना नियंत्रण खो दिया और इसकी वजह से ये ट्रैक्टर जो है पानी में समा गया। उधर ट्रैक्टर का ड्राइवर जो था उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया उसने, और बाद में ये बताया गया कि कहीं ना कहीं संतुलन जो है वो खो दिया था और इसकी वजह से ये हादसा यहां पर पेश आया। बिल्कुल, तो सड़क पर चलते वक्त बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है, यातायात नियमों को तो पालन आप करें ही, साथ ही सतर्कता के साथ अपने विचार को बिल्कुल शांत रखते हुए सड़क पर आप चलें। किसी भी तरह की रोडरेज या किसी भी तरह के ट्रैफिक वायलेशन के चलते इस तरह की अगर दुर्घटना होती है तो निश्चित रूप से बेहद दुखद ये मामला। ऐसे में आप सभी अपना और अपनों का ध्यान रखें सड़क पर चलते वक्त, इस तरह की किसी भी दुर्घटना से बचने का प्रयास करें।
और खबर आई बैतूल से, जहां पर टीचर का टॉर्चर देखने को मिला। यहां पर टीचर पर छात्रा के बाल नोचने के आरोप लगे हैं, शिकायत बाकायदा हुई है। और बताया जा रहा है कि अंग्रेजी नहीं आने पर टीचर ने छात्रा के बाल नोचे। चौथी कक्षा की छात्रा ने परिजनों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने शिक्षा अधिकारी को शिकायत दी। शिक्षा अधिकारी ने इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है। और इसी के साथ पांच के आंच में आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबर।